गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में अंतर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की परिभाषा और उनके अर्थ से मैंने आपको वाकिफ कराया था कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है और पाठ्यचर्या का अर्थ क्या होता है। ये मैंने जो वीडियो आपकी जो खुद की कहते हैं श्रम बच्चों की इसमें जो कंफ्यूज की संभावना है उसको दूर करने के लिए बनाया है। और जो ये टॉपिक है अंतर, ये आपके इस जो आपके पार्ट से भाग सेकंड ईयर है इसमें भी आपका इसमें समावेश है कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर क्या है। इसीलिए मैंने आपको अंतर बताने से पहले मैंने इसकी आपको अर्थ बताना जरूरी समझा, इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका अर्थ एवं इसकी परिभाषा के बारे में बताया। आज मैं आपको पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अंतर को मैं स्पष्ट करूंगी कि दोनों में क्या अंतर होता है। बेसिक सामान्य तौर पर हमने इनका इसके अंतर को इसकी परिभाषा के रूप में और इसके अर्थ के रूप में हमने जान लिया। हमने अर्थ के रूप में जाना कि पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्यक्रम जो हमारा होता है करिकुलम, कि पाठ्यक्रम का जो हमारा क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है, यानी पाठ्यक्रम के अंदर पाठ्यचर्या का समावेश होता है। ये हमने जाना कि पाठ्यक्रम हमारे और लेवल पूरा कोर्स होता है उससे संबंधित होता है और पाठ्यचर्या हमारा एक आंशिक रूप होता है पाठ्यक्रम का। और सामान्य हमने देखा कि पाठ्यचर्या को हम अगर इंग्लिश वर्ड में देखें तो हम इसको सिलेबस कहते हैं और पाठ्यक्रम को हम करिकुलम कहते हैं। पाठ्यचर्या में हमें पाठ्य वस्तु का ज्ञान होता है, हमारी जो विषय वस्तु है उसके बारे में हम जानकारी करते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में हमारी जो हमारी विषय वस्तु है उनके साथ साथ हमारे जो महाविद्यालय के संसाधन, हम कहें कि हमारे जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है हमारी पाठ्यचर्या के साथ साथ, उन सब क्रियाओं के बारे में हम पूर्ण अध्ययन करते हैं। इसीलिए आज अब हम इनका अंतर, जो भी इनके अंदर दोनों के अंदर अंतर है उसको हम यहाँ स्पष्ट करेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर पाया जाता है। तो प्रथम हम देखते हैं पाठ्यचर्या और सेकंड हमें हमारा इधर पाठ्यक्रम। तो पाठ्यचर्या के लिए हम कहेंगे कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में जो अंतर है उसका प्रथम बिंदु है प्रकृति, इनकी जो नेचर होता है किसका, पाठ्यचर्या का। पाठ्यचर्या का नेचर पाठ्यक्रम पर आधारित, जो यानी कि किस पर आधारित होता है इसका नेचर, पाठ्यक्रम पर, यानी कि जो हमारा करिकुलम होता है वो निश्चित करता है कि हमें किस तरीके की पाठ्यचर्या बनानी है, यानी कि इसका नेचर हमेशा पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। क्योंकि पाठ्यक्रम जो बनता है वो हमारे उस जो जिस उद्देश्य को हम पूरा करते हैं उन उद्देश्यों का उसमें पूर्ण तरह से समायोजन करता है और उसी के आधार पर हम उसके लिए कि हम उन्हें किस तरीके से किस लक्ष्य के द्वारा हम जो हम कहते हैं ना विभिन्न जो हमारे उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्य के द्वारा हम अंतिम हमारे लक्ष्य पर पहुंचते हैं। तो हमें लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो वो उद्देश्य हमारे पाठ्यचर्या में समाहित होते हैं और फिर हम उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो हमारा प्रथम जो उसका नेचर है यानी कि इसकी प्रकृति है, जो प्रकृति यानी कि पाठ्यचर्या की प्रकृति पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। अगर अब हम यहाँ पर पाठ्यक्रम की प्रकृति देखेंगे कि पाठ्यक्रम की प्रकृति परिस्थिति आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर आधारित होता है। हमने कहा कि हमने ये पहले भी जाना है कि हमारा जो पाठ्यक्रम बनता है यानी कि हमारा आधुनिक जो पाठ्यक्रम है वो हमारी आवश्यकता और हमारी समस्या हमारी उपयोगिताओं को देखते हुए निर्धारित करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक हमारा पाठ्यक्रम हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा, हमारी आवश्यकताओं पर खरा नहीं उतरेगा, तो हम उस पाठ्यक्रम के बारे में विद्यार्थी शिक्षा लेना नहीं चाहेंगे। तो हमारा जो शिक्षा, हम कहते हैं हमें अगर पाठ्यक्रम का विकास हमें आगे करना है, पाठ्यक्रम में अगर हमें कुछ परिवर्तन करना है या हम कहें कि पाठ्यक्रम को हमें किस तरह से आगे विकसित करना है, बहुत आगे तक ले जाना है, तो हमें इन चीजों पर आधारित होता है, हमारी आवश्यकताओं पर, हमारी समस्याओं पर,
या हम कहें हमारी परिस्थिति पर। तो जहां पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम पर आधारित होती है तो पाठ्यक्रम की प्रकृति होती है परिस्थिति आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर आधारित होती है। फिर है सेकंड बिंदु इसका कि पाठ्य वस्तु का विकास शिक्षक एवं उसकी योग्यता व छात्रों की आवश्यकता के द्वारा होती है। यानी कि जो पाठ्यचर्या जिसे कहते हैं कि पाठ्यचर्या लागू कौन करेगा, उसे संचालित कौन करेगा, शिक्षक, और किसके लिए संचालित करेगा, छात्र के लिए। यानी कि दोनों पर है, कहते हैं ना कि हमारे पाठ्यचर्या की तीन धुरी है या पाठ्यक्रम की भी तीन ही चीज होती है। क्या हमारी जो हमारा ये हमने मेरे लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, यानी कि किस पर है हमारा फोकस, छात्र पर। शिक्षक हमारा जहाँ आधार होते हैं, शिक्षक हमारे आधार, लेकिन फोकस किस पर होता है, छात्र पर। और यहाँ किसके द्वारा, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम के द्वारा। तो इसमें वही चीज है कि जो हमारा पाठ्यचर्या होता है वो शिक्षक और उसकी योग्यता व छात्रों की आवश्यकता के द्वारा, यानी कि संचालित शिक्षक करते हैं, इसीलिए वो उनकी योग्यता से संबंधित है। क्योंकि अगर शिक्षक स्वयं उसमें योग्यशील नहीं होंगे, अनुभवी नहीं होंगे, तो हम छात्रों के लिए जो उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो हम सिखा रहे हैं, जो अधिगम करवाना चाह रहे हैं शिक्षक, और उस अधिगम में परिवर्तन छात्रों के अधिगम में परिवर्तन चाहते हैं, तो उन्हें परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक को योग्यशील बनना होता है। तो हम कहते हैं ना कि किस तरीके का शिक्षक पढ़ा सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा जो हम परिणाम बच्चों में लाते हैं, या हम कहें बच्चों के अंदर जो परिवर्तन है वो शिक्षक की योग्यता पर आधारित होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हम विकास करते हैं पाठ्यचर्या को, हमें आगे बढ़ना होता है, वो शिक्षक एवं उसकी योग्यता व छात्रों की आवश्यकताओं के द्वारा होती है। यानी कि शिक्षक की तो योग्यता होनी चाहिए और छात्रों को उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। अगर दो चीज है तो हमारा पाठ्यचर्या प्रभावशाली होगा और उसे छात्र ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए शिक्षक योग्यशील होने चाहिए और छात्र उसके लिए वो जो हम सिखा रहे हैं वो उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। अब यहाँ देखें हम पाठ्यक्रम में, तो पाठ्यक्रम के लिए हम कहेंगे पाठ्यक्रम का विकास सामाजिक, भौगोलिक और शैक्षिक व्यवस्था तथा बड़ी शैक्षिक प्रणाली पर आधारित होता है। हमने पहले भी कहा था कि हमारा समाज हमारी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि हम जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारा समाज, हमारा देश, हमारा वातावरण जो कि हमारी भौगोलिक श्रेणी में आता है, और हमारी शैक्षिक व्यवस्था, ये हमारे पाठ्यक्रम को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर हमारे समाज में, यानी कि हमारे आवश्यकता हमारी समाज होती है, अगर हमारे समाज में हमें जिस चीज की आवश्यकता है तभी उसे ग्रहण करेंगे। इसीलिए उसका विकास समाज पर आधारित होता है, भौगोलिक पर यानी कि हमारे वातावरण पर। समाज के बाद में हमारा जो वातावरण होता है, क्या हम उसे ये कह सकते हैं, हमारा परिवार, हमारा भौगोलिक वातावरण, हम ये कहें कि सर्दी में हमारी आवश्यकता है हमें गर्म कपड़े पहनना, तो वो हमारा भौगोलिक, हमारा वातावरण है वहां पर कि हमें वही हमारी आवश्यकता बनी हुई है। तो जिस तरह से समाज उसी तरह से वातावरण, या वातावरण का मतलब हम कह सकते हैं हमारी परिस्थिति, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, और फिर हमारी शैक्षिक व्यवस्था, क्योंकि शैक्षिक व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब हम पाठ्यक्रम लागू कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए वो शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए उसे संचालित करने के लिए। अगर वो शैक्षिक व्यवस्था नहीं होगी तो हम चाहे पाठ्यक्रम कितना भी अच्छा बना ले, वो पाठ्यक्रम हमारे लिए प्रभावी नहीं होगा। तो पाठ्यक्रम को अगर हमें अच्छा बनाना है तो उसके लिए हमें शैक्षिक व्यवस्था का भी ध्यान में रखना है। हम जब पाठ्यक्रम संचालित करते हैं तो पाठ्यक्रम को संचालित करते समय हमें हमारी शैक्षिक व्यवस्था का भी ध्यान में रखना है कि क्या जो पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं वो हमारे शैक्षिक व्यवस्था का हिस्सा है या नहीं, हमारे जो इसके अंदर उसकी व्यवस्था है या नहीं उसे संचालित करने की, तो ये भी हम उसे ध्यान में रखते हैं। साथ में हमारी प्रणाली अर्थात हमारा सिस्टम कि हमें किस तरीके से उसे अप्लाई करना है, ये भी हमारा उसके पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, पाठ्यक्रम के विकास पर। अगर हमने उसे व्यवस्थित कर दिया तो व्यवस्थित करने के लिए हमें उसे सिस्टम में लाना होता है, हमारे लिए उसके लिए एक शैक्षिक प्रणाली बनानी होती है,
संचालित करने के लिए, तो वो प्रणाली उस प्रणाली पर भी आधारित होता है। अगर हमने पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से हमने व्यवस्थित कर दिया, लेकिन अगर हमारे पास वो सारे सिस्टम नहीं होंगे जिसका भी हमें लागू करना है, तो हमारा पाठ्यक्रम अगर हमने कितना भी अच्छा उसे व्यवस्थित किया हो, तब भी हम उसे पूर्ण रूप से संचालित नहीं करते। तो उसे संचालित करने के लिए हमें हमारी शैक्षिक प्रणाली, हमें सिस्टम का भी ध्यान में रखना होता है। फिर आता है हमारा इसमें पाठ्यचर्या में तात्कालिक गुणों में परिवर्तन की संभावना। यानी कि हम जो पाठ्यचर्या बनाते हैं, जो हम सिलेबस बनाते हैं, हम देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या होता है, कुछ बिंदु जोड़ दिए जाते हैं और कुछ बिंदु हटा लिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे तात्कालिक गुणों पर आधारित है, यानी कि उस समय की हमारी आवश्यकता। तो ये हमारे तात्कालिक गुणों की परिवर्तन होता है कि हमें किस बिंदु की इसमें आवश्यकता है, या हम कहें कि ये हमारे लिए आवश्यक है या नहीं। अगर नहीं होता है तो हम तत्काल प्रभाव से उसे वहां पर हटा सकते हैं। इसीलिए इसमें कहते हैं कि पाठ्यचर्या तात्कालिक गुणों में परिवर्तन की संभावना होती है। हम उसमें जो हमारे तत्काल समय हमारे परिवर्तन मांगता है, उसी के आधार पर हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और हमारे पाठ्यक्रम में हम कैसा परिवर्तन चाहते हैं? सामाजिक परिवर्तन एवं स्थायी परिवर्तन होने की संभावना। जहां पाठ्यचर्या में हम तात्कालिक परिवर्तन करते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में परिवर्तन जब तक नहीं होगा, जब तक समाज नहीं जाएगा। अगर समाज में उस परिवर्तन है, तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा। कहते हैं कि पाठ्यचर्या के अंदर तो वो परिवर्तन अस्थायी है, यानी कि हमने जोड़ भी दिया और उसे नेक्स्ट ईयर हम वापस हटा भी सकते हैं। और या फिर हम कहें कि उसे, अगर हमारे कई बार हमने देखा है हमारे सिलेबस में कुछ चैप्टर्स नहीं आते, वो हट जाते हैं। तो क्यों हट जाते हैं? क्योंकि वो उस तत्काल प्रभाव का देन है। और यहाँ हम देखें तो ये कहते हैं कि अगर पाठ्यक्रम में वो बिंदु होगा ही नहीं, वो विषय होगा ही नहीं, तो हम पाठ्यचर्या में कहाँ से लेंगे। इसीलिए ये हमारे परिवर्तन के लिए कहा जाता है, जब तक समाज परिवर्तन नहीं चाहेगा, तब तक हम पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि पाठ्यक्रम में एक तरीके से स्थायी परिवर्तन हो जाता है। जब पाठ्यक्रम में उसे लागू कर देते हैं, तो वो स्थायी परिवर्तन की श्रेणी में आ जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा बिंदु है इसमें पाठ्य वस्तु के उद्देश्यों को कक्षा में या सीमित क्षेत्र में रहकर प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यचर्या के लिए हम मानते हैं कि पाठ्यचर्या शिक्षक की और विद्यार्थी की कक्षागत स्थिति यानी कक्षागत क्रियाएं होती है। तो उसके लिए कहा गया है कि पाठ्य वस्तु के उद्देश्यों को कक्षा में, यानी कि हम जब टीचर उसे पढ़ाने जा रहे हैं, तभी बच्चे उनसे उस चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उस विषय के बारे में बता सकते हैं। या हम कहें कि जब टीचर कक्षा में जा रहा है अपनी पाठ्य वस्तु पढ़ाने के लिए, तो वो उस कक्षागत यानी कि उस कक्षा में वो सब सामग्री उसके लिए उपलब्ध होनी चाहिए जिससे कि वो पढ़ा रहा है, और उसके लिए वहाँ बाहर क्या होता है इससे उसे नहीं है मतलब। उसका क्षेत्र एक सीमित होता है, उसका क्षेत्र एक कक्षागत होता है। यानी कि पाठ्यचर्या का जो संबंध है वो कक्षागत प्रणाली से है, अर्थात वो एक सीमित है। अब हम कहें इसमें कि जहाँ हमारे इसमें कक्षा में और सीमित क्षेत्र में रहकर है, लेकिन पाठ्यक्रम के जो हमारे उद्देश्य है वो ऐसी भी क्षेत्रों में जाकर प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात हमारे इसमें सामाजिक परिवर्तन, हमारा राष्ट्रीय परिवर्तन, जिसमें कहते हैं कि सर्वांगीण गुण आ जाते हैं, वो पाठ्यक्रम में समाहित होता है। तो जब पाठ्यक्रम में ये गुण है, तो इसमें तो हमारा समाज, राष्ट्र, हमारा शारीरिक, हमारा मानसिक, ये सारी क्रियाएं, तो इसका क्षेत्र कैसा हो जाएगा? हमारा असीमित क्षेत्र। जहां इसका क्षेत्र सीमित है, वहां हमारा इसका क्षेत्र असीमित है। फिर है हमारी जहां पाठ्यचर्या में भी तात्कालिक क्रियाओं को महत्व दिया जाता है, क्योंकि जहां कक्षागत से इसका संबंध है और शिक्षक और छात्र से संबंध है, तो शिक्षक हमेशा छात्र को तत्काल क्रिया करवाएगा। अगर उसे होमवर्क देना होगा, तो वो बच्चों के लिए होमवर्क देगा, तत्काल देगा कि बच्चों को ये करके लाना है। कक्षा कार्य देगा, तब भी वो तत्काल। तो कहते हैं कि ये हमारी तात्कालिक क्रियाओं को महत्व देता है पाठ्यचर्या। और हमारा जो पाठ्यक्रम है, वो जहाँ तात्कालिक क्रियाओं को महत्व देता है, वही छात्र के सर्वांगीण विकास को महत्व
पाठ्यक्रम देता है। वो चाहता है कि बच्चा तत्काल न करे, लेकिन बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि बच्चों का तत्काल हम सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते, हमें सर्वांगीण विकास करने में समय लगता है। तो वो जो समय लगता है कि इसमें तो तत्काल हो रहा है लेकिन इसमें तत्काल नहीं हो रहा, इसे एक इस बिंदु से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ हम तत्काल क्रियाओं पर जोर देते हैं, तात्कालिक क्रियाओं पर, लेकिन यहाँ हम विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को महत्व देते हैं। फिर इसमें है नेक्स्ट हमारा, पाठ्य वस्तु के अनुसार केवल कक्षागत बदलाव सदैव आवश्यक नहीं। कहते हैं कि पाठ्यचर्या में कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं कि हम जो कक्षागत होता है हमारा उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम कई बार ये देखते हैं कि हमारे पास अगर शिक्षक नहीं आ, कोई शिक्षक अगर हमारी क्लास में एब्सेंट हो जाता है और वो दूसरे विषय का टीचर अगर उसे पढ़ाने जाते हैं तो हमारा क्या उस कक्षागत में बदलाव आ जाएगा? नहीं आएगा। कई बार अगर हम विषय से उसी विषय का ज्ञान लेना होता है तो छात्रों को दूसरे शिक्षक जब वहां पर जाएंगे दूसरे विषय के, तब भी बच्चों को वहां, क्योंकि अनुशासन बनाए रखने के लिए या हम कहें कि विद्यालय की एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी बच्चों को वहां पर बिठाए, हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। हम यही कहेंगे दूसरे विषय के शिक्षक कि सभी इसी कक्षा में बैठे। तो यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने जो विषय उसमें पढ़ाता है उसमें कक्षागत बदलाव हम नहीं कर सकते। फिर है इसमें कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत परिवर्तन, यहाँ तो कक्षागत में परिवर्तन नहीं होता लेकिन यहाँ विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत परिवर्तन, यानी कि जो प्रबंधक, जो मैनेजमेंट विद्यालय का जो परिवर्तन करता है वो हमारे पाठ्यक्रम के आधार पर है। तो कहते हैं कि पाठ्यक्रम जो हमारा बनता है तो उसके अंदर हमारे मैनेजमेंट क्या परिवर्तन करते हैं वो परिवर्तन यहाँ होते रहते हैं, यहाँ उस परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है लेकिन यहाँ मैनेजमेंट का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन यहाँ संभव होता है। फिर नेक्स्ट बिंदु है इसमें व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल, यहाँ क्रियात्मक पक्ष पर ज्यादा बल दिया जाता है क्योंकि शिक्षक बच्चों को क्रियात्मक कार्य देते हैं और क्रियात्मक कार्य जब उनको कराते हैं तो वो उन्हें व्यवहारिकता पर भी जोर देते हैं क्योंकि उन्हें व्यवहारिक बनाते हैं। तो इसमें यही है कि व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि टीचर के सामने करें और वो उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं। फिर है इसमें कि हमारे सामाजिक एवं तात्कालिक आवश्यकताओं, मूल्यों, राष्ट्रीय विकास और मानवीय गुणों पर आधारित, जहां यहाँ व्यवहारिकता पर आधारित है ये किस पर आधारित है? सामाजिकता पर और हमारी तात्कालिक आवश्यकताओं पर। कहते हैं पाठ्यक्रम हमारी प्रेजेंट की जो आवश्यकताएं होती है उस पर निर्धारित होता है। तो हमारी जो तात्कालिक आवश्यकताएं होती है, हमारे जो मूल्य होते हैं, हमारी राष्ट्र, हमारे देश का किस तरह से हम विकास कर सकते हैं, राष्ट्रीय विकास, और मानवीय गुण, हमारे संघ चरित्रात्मक गुण, मानवीय गुण हम कहें दया, परोपकार, सेवा, इनके भावों पर आधारित होता है। कहते हैं पाठ्यक्रम में एक हमारा ये विषय भी होता है कि इससे हम हमारे समाज की, क्योंकि पाठ्यक्रम तो बनता है हमारे समाज और देश की आवश्यकता के आधार पर है, क्योंकि जब तक हमारे समाज में जो आवश्यकता होगी वही विद्यार्थी की स्वयं की आवश्यकता होगी। तो इन सब गुणों का इसमें समावेश होता है। इन गुणों पर, यहाँ ओनली व्यवहारिकता पर जोर दिया जाता है लेकिन यहाँ हमारे सभी इन गुणों का विकास होता है। फिर है इसका प्रारूप छात्रों की रुचि एवं योग्यता पर आधारित होता है। हम जब विषय वस्तु पढ़ते हैं तो हमारी इंटरेस्ट होता है उसमें कि हमें किस विषय में अधिक इंटरेस्ट है। तो कहते हैं कि जब हम यहाँ पर विषय पढ़ते हैं तो बच्चा का जो हम कहें कि परिवर्तन या वांछित परिवर्तन, अधिगम वांछित परिवर्तन होते हैं वो उनकी खुद की किस पर आधारित होता है? रुचि पर आधारित होता है। हमने देखा है कि एक बच्चे को अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो वो बच्चा मैथ में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएगा और ज्यादा से ज्यादा उसे कैच करेगा। तो यहाँ बच्चे की रुचि है और फिर बच्चा उसमें योग्यता हासिल कर रहा है, यानी कि उसकी कैपेसिटी है उस चीज को कैच करने की। तो हमारा जो सिलेबस हो, जो हमारा सिलेबस है वो किस पर आधारित है? रुचि एवं योग्यता पर। और हमारा ये किस पर आधारित है? इसका जहाँ कहते हैं कि इसका प्रारूप छात्रों की रुचि एवं योग्यता पर आधारित है, लेकिन जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका क्षेत्र कहाँ तक है? हमारे समाज और राष्ट्र पर, हमारे समाज और राष्ट्र तक इसका व्यापक असर है। क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों की रुचि को जागृत करते हैं
या फिर कहें कि बच्चों की रुचि हमारी सामाजिकता पर, हमारे समाज पर और हमारे देश पर आधारित होती है, क्योंकि समाज हमारे व्यक्ति से जुड़ा होता है, हमारी कहीं ना कहीं हमारी देश से। फिर है इसका स्वरूप कैसा होता है, संकुचित एवं सीमित। पाठ्यक्रम का पाठ्यचर्या का क्षेत्र छोटा होता है और हमारे पाठ्यक्रम का क्षेत्र सीमित होता है। हमने देखा है कि पाठ्यचर्या है वो हमारी पाठ्य वस्तु का ज्ञान देता है, लेकिन हमारा पाठ्यक्रम, हमारी जो समस्त क्रियाएं होती है पाठ्यचर्या के साथ साथ, उन समस्त क्रियाओं का भी हमें ज्ञान देता है। अर्थात पाठ्यचर्या का क्षेत्र सीमित होता है और पाठ्यक्रम का क्षेत्र असीमित होता है। फिर है हमारा पाठ्यक्रम का एक आंशिक भाग, कहते हैं ना कि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, तो वही चीज है कि इसका एक आंशिक छोटा भाग है ये, लेकिन पाठ्यक्रम स्वयं में विभिन्न तत्वों के संगठन से निर्मित होता है। इसके अंदर तो वो सारी आवश्यकताएं होती हैं जो विद्यार्थी की होती है। तो बच्चों ये मैंने आज आपको पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर स्पष्ट किया था, इसे आप ध्यान से देखें, इससे आपको पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में जो कंफ्यूजिंग है वो भी दूर होगी और इनके अर्थ को और इसे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। धन्यवाद।